नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, हमारा लास्ट का वीडियो एडवर्स पोजेशन के बारे में था, जिसमें बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट संपत्ति पर 12 वर्षों तक लगातार शांतिपूर्वक कब्जा बनाए रखता है और उस संपत्ति के असल स्वामी को इस बारे में जानकारी होने के बावजूद भी वह कोई लीगल एक्शन नहीं लेता है, तो ऐसे कब्जाधारी व्यक्ति का उस संपत्ति पर एडवर्स पोजीशन हो जाता है और एडवर्स पोजीशन के आधार पर ऐसे कब्जा रखने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक हो जाता है। और यदि वही अचल संपत्ति सरकारी है, यानी कोई सरकारी ज़मीन है, तो अवधि 12 वर्ष की बजाय 30 वर्ष होती है। इसके लिए हमारे पास कई क्यूरी आई कि क्या सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा सकता है, क्योंकि कई हाई कोर्ट्स का व्यू तो इसके खिलाफ है। हमारा आज का वीडियो इसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए बनाया गया है। हमारे द्वारा अपने व्यूअर्स के हर डाउट को क्लियर करने का हर संभव प्रयास किया जाता है, इसलिए यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, यदि सवाल सीधा सा यह है कि क्या सरकारी भूमि पर एडवर्स पोजीशन किया जा सकता है, तो इसका जवाब भी उतना ही सीधा है। हाँ, सरकारी ज़मीन पर एडवर्स पोजीशन क्लेम किया जा सकता है, लेकिन हम यदि इसी सवाल की बारीकी में जाते हैं तो हमें एडवर्स पोजीशन क्लेम करते टाइम यह देखना पड़ेगा कि जिस भूमि पर हम एडवर्स पोजीशन क्लेम करना चाह रहे हैं, सरकारी रिकॉर्ड्स में उस भूमि को किस कैटेगरी में रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एडवर्स पोजीशन केवल उसी सरकारी भूमि पर क्लेम किया जा सकता है जो आबादी की बसावट के लिए रखी गई हो। प्रैक्टिकली हमने बहुत बार देखा भी है कि जिन व्यक्तियों का सरकारी भूमि पर 30 साल से ज़्यादा का कब्जा रह जाता है, स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका, नगर परिषद आदि ऐसे व्यक्तियों के फेवर में पट्टा जारी कर देते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि सरकारी भूमि पर एडवर्स पोजीशन को मान्यता दी जाती है यदि एडवर्स पोजीशन लगातार 30 साल से ज़्यादा अवधि के लिए और निरंतर रहा हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा कर सकता हो और एक समय के बाद में एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस पर अपना टाइटल क्लेम कर सकता हो। एडवर्स पोजीशन के मामले में भूमियों के वर्गीकरण बाबत ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश पहले नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा मामला आया जिसमें सरकारी अस्पताल के लिए रिजर्व रखी गई भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने एडवर्स पोजीशन क्लेम किया और एडवर्स पोजीशन के आधार पर खुद को मालिक घोषित करवाने के लिए कोर्ट में गए। कोर्ट में ऐसे व्यक्तियों के द्वारा 90 साल से लगातार अपना कब्जा भी साबित किया गया और लोअर कोर्ट ने एडवर्स पोजीशन के आधार पर उन व्यक्तियों को मालिक भी मान लिया था। लेकिन जब वही मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सामने गया तो हाईकोर्ट के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया कि जिन भूमियों को पब्लिक यूटिलिटी के लिए आरक्षित रखा गया है, उन भूमियों पर एडवर्स पोजीशन नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसी भूमि पर कोई व्यक्ति कितनी भी लंबी अवधि तक कब्जा क्यों ना रख ले, वह एडवर्स पोजीशन क्लेम करने का अधिकारी नहीं होता है। इस तरह से सरकारी भूमि पर एडवर्स पोजीशन के बारे में मौजूदा व्यवस्था यह है कि यदि सामान्य आबादी क्षेत्र की ऐसी सरकारी भूमि जिसे मास्टर प्लान में रिहायशी क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है और ऐसी किसी भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा है जो निरंतर और निर्बाध लगातार 30 सालों से चला आ रहा है, तो ऐसी भूमि पर वह व्यक्ति एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिक होना क्लेम कर सकता है। लेकिन ऐसी भूमि जो किसी पब्लिक यूटिलिटी के लिए, यानी अस्पताल, सामुदायिक भवन, पब्लिक पार्क या गोचर आदि के लिए आरक्षित रखी गई है, ऐसी भूमि पर कितनी ही लंबी अवधि तक कोई व्यक्ति कब्जा क्यों ना रख ले, वह एडवर्स पोजीशन क्लेम नहीं कर सकता और एडवर्स पोजीशन के आधार पर खुद को मालिक होना नहीं बता सकता। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से सरकारी भूमि पर एडवर्स पोजीशन बाबत आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।